For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. कुंडली भाग्य के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शैलेंद्र शातिर जा चलती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण की शादी के लिए सवाल पूछने को एक रिपोर्टर को पैसे देती है। वह रिपोर्टर शादी से जुड़ा सवाल पूछता है, दूसरे रिपोर्टर भी उसे शामिल हो जाते हैं। सवालों को रोकने के लिए करीना नई चाल चलती है। वह माहिरा को लाती है और कहती है कि अगले 3 दिनों में करण के साथ सगाई होने वाली है। प्रीता को पता चलता है कि सृष्टि एक कानूनी नोटिस की वजह से लूथरा के घर गई थी, तो प्रीता कहती है कि मैंने तो कोई नोटिस भेजा ही नहीं। इस बीच हम देखेंगे कि राखी जानना चाहती है कि क्या माहिरा भी करण से शादी करना चाहती है। माहिरा कहती है कि मुझे करण से प्यार है और मैं करण से शादी करूंगी। वहीं अब आप कुंडली भाग्य के अगले एपिसोड में देखेंगे कि सरला करीना को सारी बातें बताने के लिए फोन करेगी। फोन स्पीकर पर है। सरला करीना से कहती है कि प्रीता शादी नहीं करना चाहती थी, करण ने धोखे से शादी की। करीना कहती है कि अगर यह बात प्रीता कह रही है तो वह झूठ बोल रही है। करीना सरला से कहती है कि क्या प्रीता ने आपको यह नहीं बताया कि मैंने उसे दिवाली के दिन करण के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र हटाने के लिए कहा था। सरला यह बात सुनकर शॉक हो जाती है कि प्रीता ने उसे कभी नहीं यह बात बताई। क्या प्रीता स्वीकार करेगी वह करण से शादी करना चाहती थी? ऐसे अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।